हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात। तो आज मैं ले रही हूँ क्लास सिक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड, विषय है हिंदी। विषय है हिंदी। तो बच्चों, आज मैं ले रही हूँ रिमझिम टू में से पकौड़ी कविता। ओके बच्चों, तो उसी के साथ हिंदी रीडर में से जो नए वर्ड्स है ना, वो भी आपको देने वाली हूँ। ओके, तो पकौड़ी ये आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आप भी अपना ये रिमझिम बुक खोलिए। तो बच्चों बोलिए, पकौड़ी यानी आपने देखा है, खाया है पकौड़ी? आपने देखा है बच्चों, खाया ही होगा बच्चों आपने। ओके, तो पकौड़ी एक कविता किसने लिखा है मालूम है आपको? कविता एक कविता पकौड़ी एक कविता कवि सर्वेश्वर दयाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक कवि जो है ना बच्चों, बहुत ही मशहूर ऐसे कवि है जिन्होंने हिंदी साहित्य कविताएं जो भी है पाठ, उन्होंने अच्छी तरह से अपना योगदान दिया है। ओके बच्चों, तो आपको इस रिमझिम टू में द पकौड़ी ए लेसन उन्होंने लिखा है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पकौड़ी ए कविता। तो बच्चों यहाँ देखिए, पकौड़ी आपने देखा ही, कभी कभार आप बाजार को जाते हो, बाहर जाते हो, हर एक जगह ठेला लगाया रहता है, या होटल सड़कों के साइड में ऐसे बहुत से लोग पकौड़ी ऐसे बनाते रहते हैं, देखा ही है ना। उसी के साथ आपके घर में भी पकौड़ी बनाती होगी ना अपनी आपकी माँ। ओके, पकौड़ी खाते वक्त भी अच्छा लगता है और बनाते वक्त उसका जो खुशबूदार होता है ना बच्चों, आपको पसंद है। तो ये है पकौड़ी, आज आपको पढ़ना है। पकौड़ी यानी क्या बच्चों? ये है पकौड़ी, जो पकौड़ी अपने मन की भावना यहाँ व्यक्त करती है, जिस तरह से झूला कविता में, आम की टोकरी में, हर एक लेसन में, सॉरी कविताओं में उन्होंने जिस तरह से अपनी मनोभावना व्यक्त की है ना, उसी जिस तरह से झूला कविता में एक बच्चे ने अपनी माँ को झूला बांधने के लिए किस तरह से अपनी मनोभावना बनाया है ना, उसी तरह से इसमें पकौड़ी दिख रहा है बच्चों आपको। पकौड़ी इसमें एक पकौड़ी ने अपनी मनोभावना व्यक्त की है, जैसे कि क्या किया है, जब वो पकौड़ी बनते वक्त, तलते वक्त और खाते वक्त उसका जो सफर होता है, वो अपने भावना व्यक्त करने का प्रयास किया है, जो सर्वेश्वर दयाल कवि सर्वेश्वर दयाल जी है ना, वो उन्होंने अपनी कविता के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। ओके बच्चों, पकौड़ी यानी जिस तरह से दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए दिख रहा है बच्चों, यहाँ तल रहे हैं, देखो यहाँ कुछ बच्चे खा रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे आप पकौड़ी कविता, इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, आप भी मेरे साथ बोलिए बच्चों, आपको दो दो बार कौन सी लाइन लेना है देखिए, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, ए दो दो बार आपको बोलना है, जैसे कि ए जो पंक्ति है दो दो बार बोल के ही आगे जाना है, बाद में और एक बार दौड़ी दौड़ी आई है वहां भी आपको दो बार बोल के ही आगे के नेक्स्ट पंक्तियां लेना है। ओके, जैसे कि मैं बोलती हूँ पहला, बाद में इसका पूरा आपको अर्थ समझाती हूँ। ओके, जैसे कि देखो, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी।
और एक बार दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। यानी बच्चों हर एक स्टांजा यानी हर एक पंक्तियों का अर्थ में अब आप समझाती हूँ। जैसे कि पकौड़े बनाने के लिए पहला आपको चना लेना चाहिए, चने का पीठ जो होता है ना वो लेना चाहिए। ओके, उसी के साथ यहाँ देखिए, अब यहाँ एक महाराज जी पकौड़े तल रहे हैं। ओके, उसमें अब बोलती है देखो, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी भाग भाग कर पकौड़ी आती है। कैसे आती है? जैसे कि छुन 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 तेल मनाची। एक महाराज जी अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पकौड़ी का जो सामान होता है ना बच्चों, जो भी बेसन का आटा होता है, भूनने के बाद वो अपने महाराज जी अपने हाथ में लेते हैं। क्या करते हैं? अपने हाथ में लेके वो तेल में छोड़ते हैं। यहाँ देखिए छोड़े है ना, छोड़ने के बाद आवाज कैसे आती है देखो, इसका आवाज यहाँ बोले गए हैं। जैसे कि आपके पैरों में छुन छुन आवाज आती है ना, उसी तरह से पकौड़ी को तेल में छोड़ने के बाद आवाज कैसे आती है देखो, छुन 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 तेल में नाची। जब आप तेल में डालोगे तो तेल जो गर्म तेल होता है ना बच्चों, आवाज आता है ना, आवाज आता है ना, कभी कभार आपने सुना ही होगा। वो छोड़ने के बाद आवाज आने लगती है। कैसी आवाज आने लगती है? छुन 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 तेल में नाचे, वो नाचने लगती है पकौड़ी, क्योंकि वो अब बनने के लिए तैयार हो जाती है। प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, वो जो आटा होता है ना बच्चों गीला आटा, वो पूरा अब पकौड़ी का रूप ले चुका है। ओके, अब कहां किसमें महाराज जी है ना, कहां रखते हैं? प्लेट में, प्लेट में आपको खाने के लिए प्लेट में देते हैं ना। जब पकौड़ी की मनोस्थिति बोलते हैं देखो यहाँ क्या, जब वो भाग भाग कर आती है, कहाँ पहुंची? छुन छुन करके तेल में जाती है, तेल से बाहर आके कहाँ जाती है? प्लेट में आ जाने के बाद पकौड़ी शर्माती है, जैसे कि शर्माई पकौड़ी, अब मैं खाने के लिए ना, अब मैंने अब पकौड़ी बन चुकी हूँ। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी मैं भाग भाग कर पकौड़ी में आ चुकी हूँ। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, अब क्या करेंगे बच्चों? आप तो पकौड़ी हो जाने के बाद कब खाएं ऐसा आपको होता है ना, उसी तरह से यहाँ दो बच्चे हैं पकौड़ी को प्लेट में देखते ही उनके मन में खाने की इच्छा हो गई। यहाँ पकौड़ी क्या बोलती है देखो, पकौड़ी का मनोभावना है यहाँ, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, अब गरम तेल से प्लेट में आई थी, अब इनके हाथों में चली गई। इनके हाथों में चले जाने के बाद वो ऐसे थोड़ा काट के खाने लगती, मुंह में पहुंची, उनके हर एक मुंह में पकौड़ी जाने लगती है। मुंह में पहुंची पेट में जा घबराई पकौड़ी, अब वो खाने के बाद वो पेट में जाके घबराने लगती है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। यानी ये दोनों क्या बोलते हैं, कैसे हाथ किया है देखो इसने, पकौड़ी खाने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा है, यानी कि पकौड़ी पेट में जाते ही इनकी दो जो खाते हैं ना बच्चे, तब वो खाने के बाद बहुत अच्छे होते हो गए हैं, ऐसे मेरे मन को भाई पकौड़ी ऐसे बोलने लगते हैं। यहाँ एक पकौड़ी की मनोभावना का व्यक्त किया गया था, जैसे कि वो तलती है, तलने के बाद प्लेट में जाती है, दो बच्चे खाते हैं, इसके बारे में आपको इस पार कविता में दिए गए थे। तो बच्चों आप भी परफेक्ट ये बाय हार्ट करो, जैसे कि ये दो दो बार आपको बोलना है। क्वेश्चन आंसर में कल के वीडियो में देती हूँ, आज ओनली कविता आपको बाय हार्ट करना है। जैसे कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी,
दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, चुन 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 तेल में नाची। प्लेट में आ शर्माई पकोड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकोड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकोड़ी, मेरे मन को भाई पकोड़ी। ओके बच्चों, तो आप भी यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर मैं कल देती हूँ। आज आपको इसमें क्या है, बाह्यार्थ करना है कविता को। नेक्स्ट आपको राइटिंग वर्क में आप देती हूँ। राइटिंग वर्क में यहाँ देखो, स्वर और व्यंजन से बने शब्दों के बारे में आपको थोड़ा समझाती हूँ। सो नेक्स्ट बच्चों, आपको क्वेश्चन आपको ये नए वर्ड्स देती हूँ। जैसे कि आज नए तीन वर्ड्स मैंने बनाया है, कल के आपको मैंने दिया था जो छोटो। ओके, थोड़ा कल ये सब रिवाइंड करूंगी, आज ओनली आपको ये सिखाती हूँ। ठ से बने हुए हर एक शब्द है, ठ से बनता है। जैसे कि ठ से ठग, ठ से ठन्ना, ठ से ठप, ठ से ठहर, ठ से ठक ठक, ठ से ठग मीन्स चीट, ठनना मीन्स रिसॉल्व्ड, ठप मीन्स क्लोज्ड, ठहर ठहर मीन्स स्टॉप, ठक 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 मीन्स नॉक करना। ओके, ठ से ठग, ठ से ठनना, ठ से ठप, ठ से ठहर, ठ से ठक ठक। ओके, नेक्स्ट ठ ड से डफ, ड से डर, ड से डंडा, ड से डस, ड से डगर, ड से डफ टम्बोरियन, डर फियर, डंडा वुडन स्टिक, डस द स्ट्रिंग ऑफ स्केल, डगर पाथ। ड से डफ, ड से डंडर, ड से डंडा, ड से डस, ड से डगर, ढ से ढग, ढ से ढल, ढ से ढंग, ढ से दह, ढ से ढम ढम, ढ कवर, ढल सेट, ढंग वेट्स, ड फॉल, ढम ढम ड्रम साउंड। ओके, तो बच्चों आज आपको थोड़ा ये नोटबुक वर्क भी देती हूँ, कल सब रिवाइंड करती हूँ आपको। जैसे कि ठ से बनता है, हर एक वर्ड ठ से बन रहा है। यहाँ देखिए ठ से ठग, ओके, ठ से ठग, ठ से ठग, ठ से ठप, ठ से ठग, ठ से ठग, ठ से ठनना, ठ से ठनना, ठ से ठनना। ओके, नेक्स्ट ड से डब, ड से डब, ड से डब, ड से डर, ड से डर, ड से डर, ढ से ड से डंडा, डंडा, ड से डंडा, ड से डंडा। ओके, नेक्स्ट ढ से ढग, ढग, ढ से ढग, ढ से